हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व uh, करना स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास बुक है इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिकल थ्योरी पार्ट वन ठीक है और चैप्टर नंबर सिक्स है प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे तो चैप्टर नंबर सिक्स जो है वो उसकी एक्सरसाइज सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसे हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन का ए पार्ट है इनोमरेट ऑल द पॉसिबल कंबिनेशनस एंड परमोटेशन ऑफ थ्री लेटर्स चूजन फ्रॉम दी फोर लेटर्स ए बी सी एंड टी थी, ठीक है तो यहाँ पर आपको पॉसिबल कम्बिनेशन और ऑल दी पॉसिबल प्रमोटेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है ठीक है कितने लेटर्स की तीन लेटर्स की अब यहाँ पर आपके पास कम्बिनेशन और प्रमोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है टोटल नंबर ऑफ कम्बी को हम एन सी आर से डिनोट करते हैं यानी कि एन आपके पास होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और आर आपके पास है जो ऑब्जेक्ट्स जो है जितने ऑब्जेक्ट्स का की कम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करनी है ठीक है और कम्पटेशनल uh, फार्मूला इसका हमारे पास होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इन टू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल और परमुटेशन uh, का जो हमारे पास सिंबल uh, है वो है एन पी आर और इसका फार्मूला हमारे पास होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर होल फैक्टोरियल ठीक है जो कम्बिनेशन है कम्बिनेशन हमारे पास सबसेट है आर ऑब्जेक्ट्स का ठीक है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं विदाउट रिगार्ड टू देयर ऑर्डर यानी कि हम किसी डेफिनेट ऑर्डर में नहीं बल्कि हम रैंडमली चूज़ करते हैं तो उसकी कम्बिनेशन जो है वो हम इस तरह से फ़ाइंड आउट करते हैं और परमोटेशन हमारे पास होती है कि जो एक ऑर्डर्ड सबसेट है आर ऑब्जेक्ट्स का ठीक है और आर uh, ऑब्जेक्ट्स का चोजन फ्रॉम दी एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और इसका जो परमोटेशन है ये हम इस तरह से फाइंड करते हैं अब हमारे पास यहाँ पर ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन थ्री लेटर्स यानी कि आर इक्वल टू थ्री है और फोर टोटल जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो हमारे पास हैं फ़ोर एन इज़ इक्वल टू फोर और आर इज़ इक्वल टू थ्री फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल इनटू फोर माइनस थ्री होल फैक्टोरियल ठीक है आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है फोर ओवर फोर फैक्टो फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो थ्री फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा सिंपली हमारे पास फोर आंसर आ जाएगा ठीक है फोर माइनस थ्री वन फैक्टोरियल तो वो वन ही होता है और यहाँ पर अगेन फोर पी थ्री फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल ठीक है फोर माइनस थ्री वन फैक्टोरियल तो ये वन हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा फोर फैक्टोरियल ठीक है और फोर फैक्टोरियल जो है ये आपके पास क्या होता है ट्वेंटी फोर इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी फोर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेवन का बी पार्ट ए क्लब कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ फिफ्टीन मेंबर्स ठीक है अब यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो फिफ्टीन है इन हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट पार्ट ये, ये है थ्री ऑफिसर्स प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट एंड सेक्रेटरी ट्रेज़रर बी चूजन सेकेंड पार्ट है ए कमिटी ऑफ थ्री मेम्बर्स बी सेलेक्टेड ठीक है अब देखें यहाँ पर इनको हम, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हमें इसमें भी हमें तीन मेंबर्स ही चूज़ करने हैं और जो सेकंड पार्ट है उसमें भी तीन मेंबर्स ही चूज़ करने हैं ठीक है लेकिन फ़र्स्ट पार्ट में हमें बताया गया है कि हमने इन तीन मेंबर्स को चूज़ करके कितने तरीक़ों से हम उनको चूज़ कर सकते हैं ये तीन मेंबर्स ठीक है यानी कि आपको स्पेसिफ़िक कर दिया पर्टिकुलर मेंबर्स जो हैं वो बता दिए हैं सेकंड पार्ट में आपको कोई भी तीन मेंबर्स लेने हैं पंद्रह में से ठीक है यानी कि आपको कोई डेफिनेट मेंबर्स बताए नहीं गए बल्कि आपने कोई से तीन मेंबर्स लेने हैं तो अब हम जो है इनको सॉल्व किस तरह से करेंगे रूल ऑफ परमोटेशन हमारे पास ये होता है कि जब हम एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में तो हम परमोटेशन अप्लाई करते हैं ठीक है और कम्बिनेशन में क्या होता है कि हम जो सिलेक्शन हमारी होती है एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स की जो सिलेक्शन है वो विदाउट रिगार्ड टू ऑर्डर करते हैं यानी कि हम उसमें रेंडम सिलेक्शन करते हैं जब हम गिवन ऑब्जेक्ट्स में से डिफरेंट डिस्टिंक्ट आर ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन रेंडमली करेंगे तो हम कंबिनेशन अप्लाई करते हैं ठीक है लेकिन जब हम सिलेक्शन जो है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में करते हैं डेफिनेट ऑर्डर सिंपली जो है उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आपको पर्टिकुलर बता दिया जाए कि आपने ये ये ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करके आप कितने नंबर कितने नंबर ऑफ़ वेज़ में हम उनको चूज़ कर सकते हैं ठीक है यानी कि आपको पर्टिकुलर जो है वो ऑब्जेक्ट्स बता दिए जाएँ तब हम परमोटेशन अप्लाई करते हैं जैसे कि फ़र्स्ट पार्ट में क्या है कि हमने यहाँ पर भी तीन मेंबर से चूज किए हैं लेकिन कौन कौन से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ट्रेजरर और यहाँ पर क्या है रैंडम सिलेक्शन है कोई से तीन मेंबर्स ठीक है हमें जो है वो पर्टिकुलरली बताया नहीं गया कि कौन से तीन मेंबर कोई से तीन मेंबर हमने जो एक कमेटी है तीन मेंबर्स की हमने सेलेक्ट करनी है तो कितने तरीकों से हम जो है वो एक कमेटी बना सकते हैं सेकेंड में अप्लाई करेंगे कंबिनेशन ठीक है एन पी आर एन यहाँ पर आपके पास क्या है फिफ्टीन और आर क्या है थ्री है ठीक है फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा एन पी थ्री इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन पी आर सॉरी एन पी आर हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एन माइनस आर होल फैक्टोरियल तो एन इज़ इक्वल टू फिफ्टीन आर इज इक्वल टू थ्री फिफ्टीन पी थ्री इक्वल टू फिफ्टीन फैक्टोरियल डिवाइड बाई फिफ्टीन माइनस थ्री फैक्टोरियल तो इसको आप जो है वो फिफ्टीन फैक्टोरियल एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं डायरेक्टली हम कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है फिफ्टीन माइनस थ्री ये हो जाएगा ट्वेल्थ फैक्टोरियल ठीक है फिफ्टीन इंटू फोर्टीन इंटू थर्टीन फिफ्टीन इंटू फोटीन इंटू थर्टीन तो ये आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी सेवन हंड्रेड थर्टी ठीक है ट्वेल्व फैक्टोरियल ट्वेल्व फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास सेकेंड पार्ट जो है जैसे मैंने आपको बताया कि रैंडम सिलेक्शन है तो हम कम्बीशन अप्लाई करते हैं जब जब हमारे पास रैंडम सिलेक्शन ना हो सिलेक्शन एक ऑर्डर में हो देन हम हम अप्लाई करते हैं ठीक है तो सेकेंडली जो है सेकेंड पार्ट में हम कम्बीशन अप्लाई कर रहे हैं तो सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है सेकेंड में भी सिंपली आपके पास सेम uh, जो है वो एन इज इक्ल टू फिफ्टीन है और आर इज इक्ल टू थ्री है लेकिन अब यहाँ पे कम्बीशन uh, हो जाएगा फिफ्टीन सी थ्री फिफ्टीन फैक्टोरियल इन ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू फिफ्टीन माइनस थ्री होल फैक्टोरियल तो ये आपके पास हो जाएगा फिफ्टीन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू ट फैक्टोरियल तो ये आपके पास हो जाएगा फोर फिफ्टी फाइव ठीक है डायरेक्टली इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कैलकुलेटर आपके पास जो है अब हम यहाँ पर देख लेते हैं फिफ्टीन सी थ्री ये आपके पास आ रहा है फोर फिफ्टी फाइव इसी तरह से अगर हम यहाँ पे फिफ्टीन पी थ्री तो ये आपके पास आया है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड थर्टी ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट हाउ मेनी डिफरेंट ब्रिज हैंड्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक डेक है उसमें फ़िफ्टी टू कार्ड्स होते हैं ठीक है और अब ये हमारे पास है हाउ मेनी डिफरेंट ब्रिज हैंड्स कैन बी सलेक्टेड ठीक है नंबर ऑफ सिलेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है ब्रिज हैंड अब जो ब्रिज हैंड होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है कार्ड को ठीक है उसको हम डील हैंड भी कहते हैं तो हर जो चार प्लेयर्स हैं उन चारों प्लेयर्स के पास जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो होते हैं थर्टीन ठीक है तो हमने जो नंबर ऑफ़ सिलेक्शन हैं वो कितने कार्ड्स की फाइंड आउट करनी है थर्टीन कार्ड्स की और जो थर्टीन कार्ड्स हैं वो रैंडम होते हैं ठीक है कोई भी पर्टिकुलर नहीं होता कि चारों प्लेयर्स के पास जो कार्ड्स होते हैं वो रैंडम कार्ड्स होते हैं ठीक है तो अगेन ये एक रैंडम सिलेक्शन है तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कम्बिनेशन नंबर ऑफ़ सिलेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या है कम्बिनेशन का यानी कि आपके पास एन इज़ इक्वल टू यहाँ पर एन आपके पास है फिफ्टी टू टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स और जो चार प्लेयर्स हैं ठीक है थीके? उन चारों के पास थर्टीन कार्ड्स होते हैं तो ब्रिज में हम अगर कम्बिनेशन के लिहाज से देखें तो फर्स्टली फर्स्ट ग्रुप के लिए यू नीड टू चूज़ फाइव पर्सनस आउट ऑफ टोटल टेन पर्सेंस तो टेन सी फाइव ठीक है ये हमारे पास हो जाएगा टू फिफ्टी टू नेक्स्ट क्या है फाइव पर्सन हमने चूज़ कर लिए हैं टेन में से तो रिमेनिंग पर्सन कितने हैं फाइव ठीक है five, यहाँ पर नोट कर लें कि रिमेनिंग पर्सन जो है वो वो है फाइव नेक्स्ट अब हमें जो सिलेक्शन करनी है वो फाइव पर्सन में से करनी है ठीक है अब हमें दूसरे ग्रुप के लिए कितने मेंबर्स कितने पर्सन चूज करने हैं तीन पर्सन चूज करने हैं ठीक है तो कितने में से चूज करेंगे फाइव में से करेंगे यानी कि फाइव सी थ्री ठीक है ये हो जाएगा सेकेंड नंबर सेकेंड uh, ग्रुप के लिए हम जो नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो हमारे पास ये हो जाएगी थर्ड ग्रुप के लिए अब हमारे पास रिमेनिंग पर्सन कितने हैं तीन पर्सन हम चूज़ कर चुके हैं कितने में से चूज़ किए हैं फाइव में से ठीक है तो फाइव में से हमने थ्री पर्सन चूज़ कर लिए हैं तो अब हमें आखिर में कितने पर्सन हमारे पास अभी बाकी बचे हैं दो पर्सन बचे हैं ठीक है ठीके? तो रिमेनिंग पर्सन जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास हैं टू अब तीसरे ग्रुप के लिए हमें कितने में से दो पर्सन चूज़ करने हैं दो में से ठीक है तो यानी कि टू सी टू तो ये आपके पास हो जाएगा वन ठीक है और फाइव सी थ्री जो है ये हमारे पास बनता है टेन ठीक हो गया तो ये रूल ऑफ कॉम्बिनेशन है अब हमें टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम तीन ग्रुप्स में पार्टीशन कर सकते हैं तो वो हमारे पास होगी टेन सी फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव सी थ्री मल्टीप्लाई बाई टू सी टू ठीक है यानी कि टू फिफ्टी टू मल्टीप्लाई बाई टेन मल्टीप्लाई बाई वन तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी नंबर ऑफ वेज जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे ये है रूल ऑफ कम्बिनेशन अगर हम रूल ऑफ़ परमोटेशन के हिसाब से देखें तो रूल ऑफ़ परमोटेशन में हमारे पास क्या होता है कि जब हम पार्टीशन करते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की तो उस केस में हम परमोटेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं लेट से कि हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन है ठीक है और हमें जो है उनकी पार्टीशन करनी है कितने ऑब्जेक्ट्स में कितने ऑब्जेक्ट्स चूज़ करके पी क्यू आर एन सो ऑन तो हमारे पास एन इक्वल टू तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं ठीक है थीके? जो कि हमें चूज़ करने हैं उनका सम हमारे पास एन के इक्वल होना चाहिए यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस सो ऑन जो भी हमारे पास है ठीक है जितने भी नंबर्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम चूज कर रहे हैं उनके जो सम है वो हमारे पास एन के इक्वल होना चाहिए अगर हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखें तो हमारे पास पी लेट्स से पी इज इक्वल टू फाइव क्यू इज इक्वल टू थ्री आर इज इक्वल टू टू तो पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू फाइव प्लस थ्री प्लस टू विच इज़ इक्वल टू टेन और गिवन क्या है एन इज़ इक्वल टू टेन ठीक है तो हमारे पास जो p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू टेन है तो यहाँ पे हम रूल ऑफ परमोटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और इस केस में रूल ऑफ परमोटेशन हमारे पास क्या होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन या ऑफ जो ग्रुप्स हैं वो क्या होंगे हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल ठीक है n फैक्टोरियल टेन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल तो ये अगेन जो है वो आंसर हमारे पास आएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ठीक है इतने नंबर ऑफ वेज में जो है वो हम टेन परसन की पार्टीशन कर सकते हैं तीन ग्रुप्स में ठीक है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी अगर आपका कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो नई वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके